होस्टल का बजट 5 करोड़, नाक पकड़कर खाते थे खाना, सब्जी दाल रोटी और चावल खाते ही होने लगी खून की उल्टियां, शिकायत की तो बोले चुप रहो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। जबलपुर के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में हुए एक खतरनाक घटना के चलते इस विद्यालय का नाम अब सुर्खियों में है। इस घटना के पीछे का कारण था दूषित खाना, जिसका बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ा। सोमवार की रात को खाना खाने के बाद लगभग 100 बच्चों को उल्टियां हो गईं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद जब बच्चों से बात की गई तो उन्होंने कुछ खुलासे किए, जिन्होंने इस मामले को और भी गंभीर बना दिया। बच्चों का कहना था कि आवासीय विद्यालय में अक्सर उन्हें दूषित खाना खिलाया जाता है, जब इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है और उन्हें मजबूरी में खाना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप सभी बच्चे बुरे खाने के चलते नाक पकड़कर खाना खाते थे। इस घटना के बाद बच्चों के अभिभावक और राजनीतिक दलों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। इस घटना का हुआ था दिन 18 सितंबर 2023 को, रात के 8 बज रहे थे जब बच्चे अचानक जोरदार रोने लगे और कुछ बच्चों को उल्टियां होने लगी। कुछ बच्चे खून की उल्टी कर रहे थे तो कुछ जमीन पर तड़प रहे थे। इस हालत को देखकर हॉस्टल के सीनियर छात्र पहुंचे और बच्चों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज सुनकर आसपास रहने वाले लोग भी आ गए और बच्चों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए जुट गए। गंभीर बच्चों को आईसीयू में शिफ्ट कराया गया। बच्चों का कहना था कि सोमवार रात तक सभी ने कटहल की सब्जी, मिक्स दाल रोटी और चावल खाया था। इस आवासीय विद्यालय में करीब 450 आदिवासी बच्चे कक्षा 6 से 12वीं तक रहते हैं। सोमवार को 6वीं से 11वीं क्लास तक के बच्चों ने खाना खाया, जिसके परिणाम स्वरूप 100 से ज्यादा बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद राजनीतिक दलों के नेता भी इसे लेकर गर्मा गए। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तुलेश्वर सिंह, कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना और अन्य नेताओं ने इस मामले के खिलाफ प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रिंसिपल और अधीक्षक को हटाने की मांग भी उठाई गई। आवासीय विद्यालय में आई फूड सेफ्टी टीम ने भी जांच की शुरुआत की। किचन में रखे गए मसाले, पकी दाल, चावल और सब्जी के सैंपल लिए गए और इन्हें जांच के लिए भेजा गया। खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी संजीव कुमार गुप्ता ने बताया कि खाना बनाने वालों का आवश्यक रजिस्ट्रेशन नहीं है और इसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा सकती है। सैंपल को जांच के लिए भोपाल के राज्य खाद्य लैब भेजा गया है। राजनीतिक दबाव और आवासीय विद्यालय के स्टाफ के खिलाफ भी मांगे उठाई गई। अधिकारी, तहसीलदार और फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने हालात की जांच की और किचन में खास सामग्री की जांच की। आवासीय विद्यालय के किचन में काम कर रहे लोगों से बात की गई और कुछ लोगों ने खाने के साथ कितना आलसी व्यवहार किया है यह जांचने में सहमति दी। उन्हें पूरी जांच में सहयोग करने का आदान प्रदान किया गया है। इसके अलावा बच्चों ने इस घटना के साक्ष्य भी दिए हैं, जिससे यह प्रकट होता है कि किचन में कैसी चल रही थी गतिविधियां। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हर एक एंगल पर जांच कर रहे हैं और वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि बच्चों का स्वास्थ्य अब ऑब्जर्वेशन में है और उनके स्वास्थ्य की सुरक्षा को प्राथमिकता में लिया जा रहा है। बच्चों के परिजन और समाज में इस घटना के चलते डर और चिंता का माहौल है। यह घटना सोमवार की रात को हुई थी और बच्चे से होने वाले बुरे प्रभाव की बात करते हैं तो वे खौफजदा हो जाते हैं। कलेक्टर के निर्देश पर जिले में बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए सभी संभावित कदम उठाए जा रहे हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को बचाने के लिए जरूरी उपायों को तुरंत लागू किया जा रहा है और इस मामले की जांच भी हो रही है। इस मामले में बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालने वाले उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना के पीछे जो भी कारण है उसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है, ताकि इसकी नकारात्मक पुनरावलोकन की जा सके। इस समय बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और उनके परिजन और समाज में यह घटना एक अच्छे तरीके से समझी जा रही है, ताकि इस प्रकरण को नकारात्मक रूप से देखा जा सके और इसके दोहराव के लिए सभी संभावित कदम उठाए जा सके। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।